वैसे आप सोफिया यार बहुत सेंसिटिव हो गई है, ना कमरे से निकलती है ना किसी से बात करती है। पुप्पो भी बेचारी बहुत परेशान है। अभी भेजा है अमीरा को कि उसको लेकर आए। कहा है पुप्पो को प्लीज उसको भेज दीजिए, अब देखो वो आती है कि नहीं आती। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं कैसी हो आप? ठीक हूँ। चले हम सब कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे बस वो जरा इन लोग को आउटिंग के लेके जा रहा था। चलना है? नहीं यार, इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। एंड यू, पता है तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है मर गया कोई। कैन यू स्टॉप विद ऑल दीज टीयर्स और हर वक्त का रोना धोना? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मानता हूं तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ, पर बर्तानिया के शहजादे से रिश्ता नहीं हो रहा था ना जो खत्म हो गया, और तुम इतना रो रही हो। और वैसा रिश्ता तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा नहीं। पूरे घर का माहौल खराब है सिर्फ तुम्हारी हरकत की वजह से। तो स्टॉप विद द क्राइंग भाई, प्लीज यार। नो मैन, सीरियसली लो, अमेजिंग। हारिस, क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी? क्यों हर किसी को इस तरह अपने अल्फाजों से हर्ट करते रहते हो? ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम लोगों को नहीं लगता एक लड़की हर बात एग्जैजरेट करती है, ड्रामा करती है? और इसकी शादी टूटी है ना, फिर हो जाएगी यार। कयामत तो नहीं आ गई जो ये हाल बना रखा है इसने? लुक हारिस, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को भी इस तरह से जज करो। We don't know what she's going through. पता है जॉब तुम बहुत बड़ी कंपनी में करती हो, पर अकल जीरो। वो पागल बना रही है तुम सबको, और तुम लोग बन रहे हो। भाई क्या हो गया है यार, इतनी मुश्किलों से आई थी, कर दिया ना उसको दुखी दोबारा। तुम लोग एक काम करो, एक छोटा मोटा एनजीओ खोल लो। She's going to be the first one to come. My skill to use hoga tum logon ka. Fine man.